हो जाता है कि बाप ने ज्यादा आजादी दे दी है। फिर जब मेरे मियाँ के घर में मैं आती हूँ तो मेरा बेटा बाप का पौर के खिलाफ हो जाता है कि बाप ने माँ को ज्यादा आजादी दे दी है, इतनी नहीं होनी चाहिए। और ये जो इतने मसाइल जो हमारे चल रहे हैं, जब तक दुनिया चलती जा रही है चलती रहेगी, और जब तक हम अपने 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 तराजू को पगड़ा बराबर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ये लड़ाइयाँ भी होती रहेंगी, ये झगड़े भी होते रहेंगे। तो पहले 40 मिनट तो बिल्कुल बाकी हम घूमन घेरिया खाते रहे हैं, हम मुआवजा करते रहे हैं दो उलमा का और उनकी आपसी जंग का। मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त बर्बाद कर लिया। टू द पॉइंट बात करें, जिस एजेंडे पे आए हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन मार्च पे गया है कौन मार्च में नहीं गया, लेकिन फॉर गॉड से आप अगर आज औरत के दिन के लिए आए हैं, औरत के लिए आए हैं, तो आपने इस बात कर ली उसकी बहसियत फर्द। मैं ये नहीं समझती, क्योंकि जब औरत लफ्ज आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में इमेज एक ऐसा बना रहा है कोई कमजोर चीज, कोई बिल्कुल लेस देन दूसरा फर्द। तो प्लीज आप उस पर बात करें कि आपने उसको एम्पावर करने के लिए आपके पास क्या है, कौन से आइडियाज है, प्लीज। अच्छा, मैं आखिरी मैं बात करें उसके बाद मैं डॉक्टर वही तो मसला उस वक्त तक बदल रहेगा जब तक हम अपनी सकाफत और मजहब की जो भूल है, कहाँ सकाफत की खत्म हो रही है और कहाँ मजहब की, इसमें हम फर्क जब तक नहीं करेंगे हमारे मसाइल लगे ही रहेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर वही साहब, कोई दो जुटे हर तरह के हकूक वो उनके निस्वा हो या मैंने कटों के हकूक का मसला, वो एक सियासी सवाल होता है और हम गैर सियासी होके सारे हकूक को चला रहे हैं। जब तक इसको सियासी इशू ना बनाया जाएगा, किसी भी हकूक के बात को, किसी भी तरह के हक को, चाहे मादरी जुबान का हक ही हो, जब तक वो सियासी पैराए में नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तक हम इसी नतीजे पर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आधी बात मैंने कर ली है कि पहले हमने वक्त पर बात किया, पहले तो ये कि हमारे पास जो एजेंडा है जिसको लेके हम एक प्रोग्राम तय करते हैं, हमें उसी पर रहना चाहिए, उसी पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मजहब की बहुत बात हुई और खदीजा के बात पर मुझे खुशी हुई कि जो बात मैं करना चाहती थी वो फाखरा ने की, वो एम्पावर्ड औरत थी जिसने खुद शादी का पैगाम भेजा, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। फिरौन की बीवी फैसला करती है कि सारे बच्चे तुमने मार दिए, ये बच्चा इसको मैं पालूंगी, तो हमारे पास एम्पावर्ड औरतों की ये खिता असल में ऐसा है, ये शायद औरतों से डरा हुआ खिता है। आप ये ना कि ये कि मर्द और औरत की कोई जंग मैं बना रही हूँ या मैं औरत को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मर्द हमारा बहुत कम अकल है, लेकिन यहाँ पे औरत अगर लड़ने भी आती है तो वो झांसी की रानी बन जाती है। यहाँ पे औरत अगर अपने आप को तस्लीम कराती है तो अकबर मजहब बना लेता है, दीन अकबर ही बना लेता है, जिसमें वो अपनी औरत को भी अहमियत दे रहा है और अपना भी वो कर रहा है सारा। तो मेरे लिए अफसोस की बात यह कि मेरा काफी वक्त यहाँ पे खराब हुआ है शुरू में, लेकिन खुशी इस बात की है आप सब लोगों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग जितने मर्द हजरात में बैठे हैं, आप लोग औरतों को सपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली आपके घरों का माहौल वो माहौल है जिसके लिए हम यहाँ पे बात करने आए हैं, जो होना चाहिए। तो शुरुआत होती है अपने हम खुद से शुरुआत करते हैं किसी भी अच्छी चीज की या जो भी हम करना चाहते हैं। अभी खुशाइन बात यह है, आपने बात की कि किसी भी मसले पे जब तक आप सियासी नहीं बनाएंगे उसका हल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी तरह से चल रहा है ना निजाम सारा। तो ये आपके लिए मुझे नहीं पता एक खबर है या नहीं, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में असेंबलियों में इतनी बड़ी तादाद खवातीन की आई है और वो नुमाइंदगी कर रही है उन खवातीन की जो खेतों में काम करती हैं, उन खवातीन की जिनकी 12 साल की उम्र में शादी होती है और वो उनकी बॉडी इस काबिल नहीं होती। ये थर में बच्चे मरते थे, लोग कहते थे भूख से, भूख भी वहां का मसला है, लेकिन वहां पे प्री मेच्योर डिलीवरी बहुत बड़ा मसला है। इन खवातीन की आवाज बनती है, आपकी खवातीन इवानों में आई हैं, बैठी हैं, प्लीज आप इनके उन मसाइल पे बात करें। ये चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड रेप है, बच्ची का रेप है, ये तेजाब गर्दी है, ये सारा कुछ। इसके हवाले से मुझे खुशी होती है कि मुझे आइडियाज मिलते हैं, मैं उनमें कानून साजी करती, लेकिन मैं मायूस हुई हूँ कि मुझे कोई ऐसा तरीका यहाँ से, कोई ऐसा आइडिया नहीं मिला जिसको ले जाके मैं कानून साजी कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी शानदार आज की ये औरत के दिन के हवाले से तकरीर थी, मुझे बहुत खुशी हुई।
जी बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना सिद्धार्थी कृपा ऐसा आश्रम बनाऊंगी, क्योंकि ये बहस ऐसी है जो आइडिया तो आपको दिया जा सकता था, फिर उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल। नहीं आप देखते ना जी, आप